वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन हो गए तो अक्टूबर में एक और आइनी बहरान का सामना होगा। कौमी असम्बली के इंतखाबात के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हुकूमतें होंगी, उस वक्त वहाँ निगरान सेटअप कैसे लाया जाएगा, अदालतों को इस मसले को भी देखना चाहिए। लाहौर में हुआ है पिछले दिनों आपने देखा है, और उसके बाद जो वीडियोस आई हैं, जो उसकी हकीकत पता चली है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो भी आप लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीडिया भी। मैं बहुत ही माजरत के साथ, हम सबकी अकलों पे पता नहीं क्या पर्दा पड़ा हुआ है कि ये जो बात हो रही है कि गाड़ी भी हमारी थी, छोड़ के भी गए, लेकिन हम क्या बताएंगे, क्यों हम तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे गलत, ये चीज़ इधर नहीं चलेगी। सूफियों की धरती है, प्यार मोहब्बत से जो बात करेगा उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, और जो अगर प्यार मोहब्बत से हटेगा उसका जवाब देना भी हमें आता है, और हम देंगे। हम एक सियासी जमात है और हम इलेक्शन में जाएंगे जहाँ पे भी हो, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए इस वक्त माहौल क्या है, और जो कानूनी आईनी पेचीदगियाँ आई हैं, तो जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में किसी सियासी जमात की हुकूमत होगी, तो क्या दोबारा केयरटेकर बनाए जाएंगे उस वक्त? कोर्ट्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए।